Good morning, 11th class. Today we will continue our chapter of correlation. Here I am going to discuss the different methods to calculate correlation. देखो बेटे, there are three types of method. First one is scatter diagram. Second है हमारा Karl Pearson coefficient of correlation. और third है बेटे हमारा Spearman rank correlation. In this video we will discuss only स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम क्या है बच्चों? ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन है जो हमें क्या बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी क्या डायरेक्शन है. ठीक है ना बेटे? तो देखो बेटे, यहाँ पर स्कैटर डायग्राम क्या है? ग्राफिक एक्सप्रेशन है डायरेक्शन का और डिग्री ऑफ कोरिलेशन का. देखो बेटे, जो हमारा स्कैटर डायग्राम है वो हमें बताता है कि हमारी कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ठीक है ना बेटे? और साथ में हमें क्या बताता है कि कोरिलेशन कितना है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना है. अब देखो बेटे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर पर बेसिकली एक्स और वाई वेरिएबल फैक्टर दिखाएंगे. ठीक है बेटे? उनके बेटा जो डॉट्स हैं उनको आपस में मैच करेंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम. अब देखो बेटे, इफ द डॉट्स आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो बेटा ये क्या बताते हैं कि हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन. जो डॉट बेटे हम लोग लगाएंगे स्कैटर डायग्राम बनाते हुए, अगर वो एक दूसरे के नजदीक हैं तो हमें डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, और बेटा अगर एक दूसरे के क्लोज है ना बेटे, तो वो हमें किसके बारे में भी बताएंगे बेटा, हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अगर डॉट्स बेटा स्कैटर हैं, ठीक है ना, वो कोई हमें डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो बेटा उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. दोबारा से सुनिए बेटा, हम लोग ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल को शो करते हैं, उनको हम लोग बेटे बेसिकली डिफरेंट डॉट से उनको रिप्रेजेंट करते हैं. जब उन डॉट्स को हम लोग मैच करेंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो ये क्या शो करेगा बेटे, हमें डायरेक्शन भी पता चलेगी उससे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई कोरिलेशन नहीं है. ठीक है बच्चों? साथ साथ बेटे हमें क्या पता चलता है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना, हाई डिग्री है, लोअर डिग्री है. अगर हमारा बेटे बेसिकली जो डॉट्स हैं दूसरे के क्लोज हैं, तो कोरिलेशन कैसा है बच्चों, हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन है. और अगर मान लो बेटा जो डॉट्स लगा रहे हैं वो स्कैटर्ड हैं, स्कैटर्ड क्या होता है बेटे, बिखरे हुए हैं, तो वो क्या शो करता है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. और दूसरे शब्दों में वो किसको शो करेगा, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है. अब हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम के क्या फायदे हैं. फर्स्ट, बहुत सिंपल मेथड है बेटे कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का. इन तीनों मेथड्स में से सबसे इजी और सबसे ज्यादा सिंपल मेथड कौन सा है बेटे, स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम इज अ वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट या फिर टू असेस द कोरिलेशन. ओके, जस्ट एट ए ग्लांस, क्या मतलब है जस्ट एट ए ग्लांस का, यानी कि एक बार डायग्राम पर नजर डालते ही हमें पता चल जाता है कि बेसिकली उनके बीच में, वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं है. ठीक है ना बेटे? जैसे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी बेटे कैसे पता चलेगा आपको, तो सिर्फ आप इसकी मेरिट्स एक बार समझ लीजिए कि जस्ट एट ए ग्लांस, केवल नजर डालने, जस्ट एट ए ग्लांस हमें पता चल जाता है बेटे कि उन वेरिएबल्स, दो वेरिएबल जो दे रखे हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. तीसरा बेटे, स्कैटर डायग्राम हमें इंडिकेट करता है कि रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो बेटे स्कैटर डायग्राम इज अ सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द कोरिलेशन. सेकेंड वन, हमें ये पता चल जाता है स्कैटर डायग्राम से एक बार नजर डालने पर ही कि बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है. ठीक है बच्चों? और तीसरा, स्कैटर डायग्राम हमें इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की. डीमेरिट्स क्या है बेटे इसकी, इट डज नॉट मेजर द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन. ये हमें डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता. एब्सोल्यूट मेजरमेंट कांट बी अचीव फ्रॉम दिस मेथड. सेकंड है बच्चों हमारा, इट गिव्स ओनली अप्रोक्सीमेट आइडिया. रिलेशनशिप का अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें बेसिकली पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में यहां पर पता नहीं चलता है. थर्ड है बेटे, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. ये बेटे क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है बेटे, वेरिएबल्स के बारे में क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है, जिसके कारण जो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं. दोबारा से समझिए बेटा कि बेसिकली ये कोई किसी भी तरह से कोई भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन नहीं है. पहली बात, यहां पर हमें क्या नहीं पता चलता, इट डज नॉट मेजर प्रिसाइज कितना कोरिलेशन है, रिलेशनशिप कितना है, 0.75 है, 1 है, 0.25 है,
कितना है ये नहीं पता चलता, पहली बात। दूसरी बात, ये हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, लास्ट वन, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है। मैं आपको अब डिफरेंट डायग्राम्स बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है स्कैटर डायग्राम के अंदर। आते हैं कि हमारे स्कैटर डायग्राम की डायरेक्शन क्या है। अगर बेटे हमारे स्कैटर डायग्राम की डायरेक्शन ऐसी है तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों परफेक्ट पॉजिटिव। कौन सी है ये? परफेक्ट पॉजिटिव। ओके, क्योंकि बेटे यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर हम लोग एक्स वेरिएबल को दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसको दिखा रहे हैं बेटा, वाई वेरिएबल को, उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। अगर बेटे हम लोग डायग्राम प्रेजेंटेशन देते हैं और वो कम्प्लीटली क्या आ जाए, नेगेटिव, और यहाँ पर बेटे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमें यहाँ पर लगाने की या उसको छोड़ने की जरूरत है, सारे पॉइंट क्या है इसी लाइन पर आ गए हैं बेटे, तो इसलिए बेटे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है, तो बेटे ये कौन सा है, परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, प्लस वन। कोरिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का प्रेजेंटेशन किससे होता है बच्चों, आर से, और यहाँ आर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही बेटे अगर हम लोग बात करें, इस तरह का कोरिलेशन है। अब यहाँ पर बेटे अगर हम अपना पॉइंट रखते हैं तो क्या होगा, मान लो एक आधा पॉइंट ऐसे छूट जाता है, ठीक है ना, एक आधा जो हमने डॉट लगाया वेरिएबल का वो छूट जाता है, तो भी बेटा डायरेक्शन तो पॉजिटिव जा रही है, इट्स जस्ट ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये सिर्फ क्या है बच्चों, पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, ऐसे ही बेटा यहाँ पर अगर हम लोग एक प्रेजेंटेशन और प्रिपेयर करें तो बेटा उसके अंदर क्या होगा, सॉरी, हेयर वी हैव टू रिप्रेजेंट द एक्स, ओके, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वाई कमोडिटी या जो भी है बेटे, यहाँ पर एक्स वाई का मतलब बेटे कमोडिटी से लगाना, क्योंकि शायद मैंने लिखा नहीं है, तो एक्स भी कमोडिटी है और यहाँ पर वाई भी क्या है बच्चों, कमोडिटी है, आउटपुट है बेटे हमारा ये। ठीक है, तो अब देखो बेटे अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो ये नेगेटिव है, एक आधा पॉइंट है बेटे यहाँ पर क्या हो गया है, जो लाइन के अंदर नहीं आया है, तो इसलिए बेटे हम इसको सिर्फ क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, नेगेटिव कोरिलेशन। उसके अलावा बेटे एक लास्ट प्रेजेंटेशन और प्रिपेयर करेंगे, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। इन दिस प्रेजेंटेशन वी हैव टू शो कि किसी तरह का कोरिलेशन है। यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारी एक्स कमोडिटी, यहाँ आ जाएगी हमारी वाई कमोडिटी। अब यहाँ पर बेटे जो हमारे डॉट्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह से, जैसे देखो बेटे अगर मैं चाहूँ तो कोई भी डायरेक्शन नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है डायरेक्शन बनाना, तो बेटे इस कंडीशन में अगर हम डायग्राम में डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जिगजैग टाइप डायरेक्शन बनेगी, यानी कि ये क्या शो कर रहा है बेटे, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। दिस इज आल्सो नोन एज जीरो कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। तो बेटे आज की प्रेजेंटेशन में मैंने आपको स्कैटर डायग्राम का टॉपिक कराया है। बेटे आपकी बुक के अंदर पीछे दो क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है ना बेटे, तो आप देख सकते हैं कि उनको बना के उन पॉइंट्स को प्लॉट करके कि उनकी डायरेक्शन क्या बनती है। अगर उसकी डायरेक्शन बेटे ऐसी है और सारे के सारे एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो बेटा वो परफेक्ट पॉजिटिव की है। अगर ऐसे बनेगी सभी के सभी इस लीनियर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं तो कौन सी है बेटे, परफेक्ट नेगेटिव। अगर एक दो पॉइंट रह जाते हैं डायरेक्शन में तो वो कौन सी है, पॉजिटिव, और एक दो पॉइंट अगर नेगेटिव में रह जाएंगे तो वो कौन सी है बच्चों, नेगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटे, जहां पर हम लोग कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। दिस इज आल्सो नोन एज नो कोरिलेशन। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकंड मेथड, दैट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, व्हिच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू, चेक द वीडियो, अंडरस्टैंड द वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।